वेलकम व्यूवर्स, दिस इज अ नेक्स्ट स्टडी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 15.2 का पहले इंट्रोडक्शन कुछ करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एरिया ऑफ रोम्बस, इसमें रोम्बस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है रोम्बस की, उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को डिस्कस करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगनल्स। इसके रोम्बस के दो डायगनल्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टू या हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगनल्स, ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोगों को एक मतलब और रिफ्रेश करना चाहिए। इसकी जो साइड्स होते हैं सब इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ए बी सी डी एक क्या है, एक रोम्बस है, तो इसका साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सब बराबर हो गए। और ये ए सी और बी डी, मान लिया कि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर, तो ये जो डायगनल्स होगा, जैसे ए सी डायगनल को यहाँ पे डी वन से डिनोट कर रहे हैं हम, ए सी डायगनल डी वन, और दूसरा डायगनल हमारा बी डी डायगनल डी टू। तो डी वन और डी टू डायगनल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक दूसरे को, एक तो राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं और इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और एंगल कितना बनाते हैं, राइट एंगल। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो लेंथ ऑफ द, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन क्या है, प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर वन, लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे लेट ए बी सी डी, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इसमें क्या दिया हुआ है, डायगनल बी डी, एक डायगनल कौन सा है, डायगनल बी डी, बी डी को क्या मान लेते हैं, डी वन, बी डी डायगनल इज इक्वल टू डी वन, और डायगनल दूसरा डायगनल कौन सा है, डायगनल ए सी, डायगनल ए सी इज इक्वल टू डी टू। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ये पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया, रोम्बस का एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस ये हम लोग जानते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। एक डायगनल कौन सा है हमारा, एक डायगनल बी डी है, तो यहाँ पे बी डी लिख देते हैं, और दूसरा डायगनल ए सी है, ए सी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में एक डायगनल की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो इसको पी डी को कितना मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर और इसे 24 सेंटीमीटर, हाफ इंटू बी डी की जगह पे एक डायगनल की वैल्यू क्या लिख देंगे, बी डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 24। तो ये हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स हो गया, हाफ इंटू 15 इंटू 24, हाफ इंटू 15 इंटू 24 कितना होता है, 15 इंटू 24 हाफ। अब इसे काट देंगे 2 से, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो क्या हो गया, 15 इंटू 12 हो गया। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 12 से, तो जहाँ कहीं जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ कर देते हैं रफ में, 15 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 1 2 2 3 5 1 0 5 3 8 180 आ गया, ये कितना आ गया, 180। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया का क्या होता है, स्क्वायर में होता है, एरिया की यूनिट जो होती है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह से स्क्वायर लगाते हैं उसके यूनिट के पहले। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो 15 सेंटीमीटर में है, किसमें है डायमेंशन, सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया, यहाँ आंसर लिख दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया है। इसमें लेट अस सपोज ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इसमें बी डी इज इक्वल टू डी वन इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर, इसके एक डायगनल लोगों ने 16.5 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, और दूसरा डायगनल कौन सा है, ए सी, इसे डी टू मान लेते हैं,
ये यहाँ क्या वैल्यू मेंशन की हुई है, 14.2 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल क्या हो जाएगा, हाफ, एक है 16.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 14.2 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और 14.2 सेंटीमीटर। इसको अगर काट देते हैं टू से, टू वन जै टू, टू सेवन जै फोर्टीन, टू वन जै टू, ये क्या हो गया 16.5 और 7.1, 16.5 हो गया इंटू 7.1, और 16.5 और 7.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 117.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या आंसर आ गया 117। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 16.5, यहाँ रफ लिख दिया जाएगा रफ, और 7.1, 15 जो 5, 16 जो 6, 11 जो 1, 5 सात, 75 जो 35, 7 जो 42, 7 जो 35 जो 3, 45 के 5, 45 जो 10, 11, ये क्या आ गया, ये 5, 651, इसके बाद ये 7 आ गया, ये 1 और ये 7 आ गया, 7 के बाद 5, 1, 5, 5, 5 and 6, 11, 7 और 1, 1, क्या हो गया ये टोटल 117.15, इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस सेकंड क्वेश्चन की का एरिया क्या आ गया 117.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक तो पेरीमीटर दिया हुआ है और दूसरा डायगनल दिया हुआ है और उसका एरिया निकालना है, तो जब एक अभी एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों डायगनल की वैल्यू चाहिए, एक डायगनल की वैल्यू दी हुई है, दूसरे डायगनल की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अब क्या करेंगे हम एक दूसरे डायगनल की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और दूसरे डायगनल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो पेरीमीटर दिया हुआ है उसके मदद से निकलेगी दूसरे डायगनल की वैल्यू। अब प्रोसीड करते हैं, लेट सपोज ए बी सी डी इज ए रोम्बस, मान लिया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर जब 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वन डायगनल की वैल्यू दी हुई है, ये दोनों पहले लिख देते हैं, वन डायगनल मान लेते हैं कि बी डी जो कि डी वन के बराबर रज्यूम किया, ये कितना है 48 सेंटीमीटर। अब ये दो चीज़ दी हुई है, अब इसकी मदद से एरिया निकालना पड़ेगा, तो एक तो डायगनल मालूम है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा डायगनल अब यहाँ पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की मदद से हम लोग दूसरा डायगनल निकालने की कोशिश करेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसके सारे वी नो ऑल द साइड्स ऑफ द वी नो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, जब सारे साइड इक्वल होते हैं इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सब क्या हो जाएगा 100/4 हो जाएगा, चारों 100/4 के बराबर, इसका मतलब कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 25 सेंटीमीटर हो गया, और ये साइड भी 25 सेंटीमीटर हो गया, पेरीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर जो है चार साइड के सम है, यहाँ पे चारों साइड का सम पेरीमीटर हो गया, और चारों साइड बराबर होता है रोम्बस के अंदर, जब चारों साइड बराबर होता है तो हर साइड कितना होगा 1/4, मान लीजिए 100, यहाँ पे 100 है तो 100/4 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ए बी जो है वो 25 सेंटीमीटर हो गया, एक चीज़ तो ये निकल के आ गई। दूसरी चीज़ बी एक डायगनल भी मेंशन किया हुआ, बी डी इज इक्वल टू कितना है, बी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, तो बी डी जब 48 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन टू, ये डायगनल क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो क्या बी डी को ई पॉइंट जो होगा ऐसी लाइन बी डी को बांट देगा, इक्वली बांट देगा, तो इसका मतलब बी डी की जो लंबाई होगी उसका हाफ बी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 48/2, 48/2 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, तो बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, बी निकल गया 20। अब इस ट्रायंगल में
इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? 90 डिग्री ये प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की कि उसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो अब ये इन ट्रायंगल ए बी, ए बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी राइट एंगल, ये एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख देंगे राइट एंगल, राइट एंगल। इसमें ए बी इज इक्वल टू कितना मेंशन किया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू, बी ई इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्रायंगल में तीसरा साइड हम लोग निकाल लेंगे, ए ई साइड निकालेंगे और ए की जब वैल्यू निकल जाएगी तो ए सी जो डायगोनल होगा वो ए का डबल होगा, तो दूसरा डायगोनल भी इस तरह से निकल जाएगा। तो जब दूसरा डायगोनल निकल जाएगा तो क्या होगा? एरिया निकल जाएगा। इसलिए एक का डायगोनल तो मालूम है हम लोगों को 48 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल जब निकल जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला उसको यूज कर लेंगे एरिया के। तो अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग? इट इज पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मालूम है क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो इसमें ए बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? ए ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी की क्या वैल्यू है? 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई की क्या वैल्यू है निकालना है, ए मालूम नहीं है, और ई बी की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ए ई का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? 25। अब क्या किया? ए ई को तो इधर ही रहने दिया और 24 स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके गए, तो ये 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर हो गया, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 625 माइनस 24 स्क्वायर 576 625 माइनस 576 ये घट के कितना आ गया? ए ई स्क्वायर इक्वल टू इसका, इसका जो डिफरेंस है ये 49 के बराबर आ गया। जब इसका डिफरेंस 49 के बराबर आ गया तो ए कितना आ गया? ए इज इक्वल टू 7 जब 49 होता है तो 7, ए की वैल्यू निकल गई 7 सेंटीमीटर। जब ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकल गई यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू अंडर रूट 49 हो जाएगा, जो कि 7 के बराबर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ए निकल गया 7 सेंटीमीटर। देयर फोर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर होता है तो ये ए सी की वैल्यू 2 ए के बराबर हो जाएगी। 2 इंटू क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? 7। 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 14। ये 14 ए सी कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब ए सी 14 सेंटीमीटर और बी डी ऑलरेडी मालूम है, गिवन बी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। बी डी कितना है? 48 सेंटीमीटर। ए सी कितना निकल करके आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एकदम लास्ट पॉइंट हम लोग पहुंच चुके हैं, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स में क्या है? तो बी डी है, बी डी इंटू ए सी हाफ इंटू बी डी की वैल्यू क्या है? 48 है ऑलरेडी, पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में, और ए सी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? ए सी की वैल्यू 14 निकाला हम लोगों ने, तो ये कट जाएगा 2 1 2 2 7 14। तो ये क्या हो गया? 48 इंटू 7। 48 को जब 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये 336 के बराबर आ जाएगा, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया फाइनली क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया, 336 स्क्वायर मीटर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का। एरिया इसमें क्या था? पेरीमीटर दिया हुआ था और एक डायगनल दिया हुआ था और उसकी मदद से एरिया निकालना था। ये 15.2 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें क्या है? इफ लेंथ ऑफ ए डायगनल ऑफ ए रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है रोम्बस का, एक डायगनल का लेंथ मेंशन किया हुआ है और इसका एरिया भी मेंशन किया हुआ है, दो चीजें मेंशन की हुई हैं, और इससे क्या करना है? फाइंड इट्स पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर निकालना है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अस लेट
एज सपोज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। मान लिया कि ए बी सी भी रोम्बस है, बी डी एंड ए ई ए सी आर डायगनल्स, ये दो डायगनल्स हैं इसके, एक तो बी डी डायगनल है दूसरा ए सी। तो बी डी इज इक्वल टू डी वन। एक इसमें कितना, एक यहाँ पे एक डायगनल की वैल्यू कितने हैं 30 सेंटीमीटर मेंशन किया। इफ लेंथ ऑफ ए डायगनल ऑफ ए रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, मान लिया कि बी डी है 30 सेंटीमीटर के बराबर, और ये वाला नहीं मालूम ए सी, ए सी इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू, ये मालूम नहीं है क्वेश्चन मार्क। तो ये एक बात हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, एरिया एरिया ऑफ रोम्बस ये कितना मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ 240 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद देयरफॉर, अब एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस में एरिया ऑफ रोम्बस को पुट करेंगे, फिर आगे फर्दर काम करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल का मतलब क्या हुआ, हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी। एरिया ऑफ रोम्बस 240 मेंशन किया हुआ है, ये हाफ हो गया। बी डी की भी वैल्यू हम लोगों को मालूम है 30। अब इस तरह से ए सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ये ए से लेके सी तक की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब ए से लेके सी तक की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो इसका आधा भी मालूम हो जाएगा, ए ही मालूम हो जाएगा। जब ए ही मालूम हो जाएगा और ये बी की वैल्यू भी मालूम है हम लोगों को, इसलिए कि इस डायगनल की वैल्यू मालूम है बी डी की, उसका हाफ ये हो जाएगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर, इस वाले ट्रायंगल का ए बी ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा। जब बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा तो उसकी मदद से ये ए बी को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब इसको काट देते हैं यहाँ पे, 2 1 2 2 1 2 2 5 15। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू 240, और इधर जाने के बाद ये नीचे चला जाएगा, 15 हो जाएगा, 250 अपॉन 15, 240 अपॉन 15। अब ये इसको काटने की कोशिश करते हैं, 5 3 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 5 4 20, 5 4 20, 5 8 40। ये क्या हो गया, ए सी जुगल टू क्या हो गया, ए सी जुगल टू 48 अपॉन 3 हो गया। ये और फर्दर कर सकता है, 3 1 3 3 1 3 3 6 18, ये क्या हो गया 16, ए सी जुगल टू 16 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई। अब ए की निकालना वैल्यू, जब हम इस ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी ई ट्रायंगल को सॉल्व करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है ए बी निकालने के लिए। ए सी जब निकल गया तो ए ही निकालेंगे, ए ही जुगल टू क्या हो जाएगा, ए ई जुगल टू ए सी अपॉन टू, ए सी अपॉन टू। ए सी की वैल्यू कितना है 16 अपॉन टू कितना हो जाएगा 8। तो ए ई की वैल्यू कितना आ गया, ए ई जुगल टू 8 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर ए ई, ए टू ई डिस्टेंस और बी। अब यहाँ पे गिवन BD इज इक्वल टू क्या है 30 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू BD अपॉन टू। ऐसा क्यों है, इसलिए कि परपेंडिकुलर, रोम्बस का डायगनल दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो BE इज इक्वल टू BD अपॉन टू हो गया, तो BD की 30 अपॉन टू हो गया, तो 30 अपॉन टू क्या हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, BE इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई, कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई राइट एंगल्ड, कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल, उसको भी लिख देना चाहिए यहाँ पे राइट एंगल। अब ये राइट एंगल में ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री कैसे हो गया, ये 90 डिग्री इसके जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगनल की, उसके हिसाब से हो गया। रोम्बस के डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट नहीं करते, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते, इक्वली हिस्से में बांटते भी हैं और एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर।
बी कितने के बराबर है, 15 का स्क्वायर, और ए कितना है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 कितना होता है, 64। तो ये दोनों को जब जोड़ देंगे 225 को 64 के साथ ऐड करेंगे, 289 हो गया, ये कितना हो गया, 289। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 289। अब 289 किस चीज़ का, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 289 आता है, करके देखते हैं यहाँ पे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 7 = 49 क्या हो गया, 9 7 1 8 289 हो गया, 289 हो गया, ये कितना हो गया, अंडर रूट 289 17 हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे ये ए बी निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर पेरीमीटर, अब जब ये 17 सेंटीमीटर आ गया, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर ए बी लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, देयर फॉर पेरीमीटर ऑफ, ये जब 17 सेंटीमीटर आ गया तो बी सी और सी डी डी ए सब बराबर है, ये सब क्या है, ये भी 17 सेंटीमीटर होगा, इसके जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ए बी अगर 17 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 17 सेंटीमीटर होगा, सी डी भी 17 होगा और डी ए भी 17 होगा, पेरीमीटर। अब हम लास्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, चारों साइड को कसम होता है, चारों 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की जगह क्या लिखा जाएगा, 17, तो ये 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 68, तो ये क्या आ गया, अल्टीमेटली क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेंटीमीटर, और ये 68 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए और ये चैप्टर 15.2 कंप्लीट हो गया। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।